आज है 21 जून यानी कि योगा डे। योगा सिर्फ हमारी बॉडी को ही अच्छा और फिट नहीं रखता है, हमारे मानसिक स्थिति को, हमारे माइंड के डेवलपमेंट को मतलब पूरी तरह से हील करता है। और योगा डे आपको पता है क्यों मनाया गया है? जिससे कि हम अवेयर हो सकें योग के प्रति। और योग एक साधना है, साधना जो हम अपनी बॉडी के लिए यानी कि अपने शरीर के लिए करते हैं। और उसके अंदर सब कुछ आता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जिसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी मतलब इंक्लूडेड है, यानी कि उसमें मिला हुआ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राणायाम से। इसमें आप अलोम विलोम को भी रख सकते हैं, इसके अंदर आप कपालभाति को भी शामिल कर सकते हैं। और ये जो योग है प्राणायाम, ये हमारी सांसों के उतार और चढ़ाव से संबंधित होता है। और हमारे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हमारी सांसें ही हैं। तो इसीलिए अगर सारे योग का अगर मैं बोलूँ इसको राजा, तो प्राणायाम है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। कि नॉर्मली इसको ऐसे करना है कि सिंपल वे में अगर आप करना चाहते हैं तो जिस एक जैसे नॉस्ट्रल से सांस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है, और फिर जब दोबारा लेनी है तो दूसरे जिससे बंद किया था जिस नॉस्ट्रल को उससे लेनी है और दूसरे वाले से छोड़नी है। एक तो ये तरीका है इसका, इस तरह से। इसके अलावा एक और तरीका है, और वो अगर मैं बोलूँगी इसको बॉक्स ब्रीथिंग के नाम से मैं जानती थी, और लेकिन इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ये मुझे भी मतलब रिसेंटली ही पता चला है। चिड़िया की आवाज़ कितनी ऑसम लग रही है ना, तो मुझे भी रिसेंटली ही पता चला है। और मतलब गाइस थोड़ा सा मतलब बताते मैं थोड़ा पक्षियों की आवाज़ में खो गई, डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुई लेकिन बहुत मुझे मज़ा आया। तो फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। जो इसमें हम बॉक्स ब्रीथिंग को भी इंक्लूड करके कर सकते हैं, तो बॉक्स ब्रीथिंग के बहुत बड़े इम्पैक्ट हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि नॉर्मल ही ऐसे बैठ के बॉक्स ब्रीथिंग को किया जाता है, लेकिन इसमें भी शामिल कर सकते हैं, ये मुझे रिसेंटली पता चला। तो अब जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं आपका नॉलेज इन्हेंस होता चला जाता है। तो जैसे कि किस तरह से कर सकते हैं बॉक्स ब्रीथिंग, पहले कैसे करते हैं और इसमें प्राणायाम में कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो जैसे कि ऐसे करते हैं कि अगर आपको बॉक्स ब्रीथिंग करना है, आप अपनी सांस को लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे, लेंगे, 10 तक काउंट करिए, 10 तक होल्ड करिए, 10 तक छोड़ दीजिए। तो ये होता है बॉक्स ब्रीथिंग। अब इसको रिसेंटली ही मैंने मतलब देखा है एक वीडियो, तो मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ। ये टेक्निक भी बहुत मज़ेदार है और इसके इम्पैक्ट भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बॉक्स ब्रीथिंग के इम्पैक्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसे करना है, जैसे एक नॉस्ट्रल को बंद किया, अब आप यहाँ पर आप जितना भी मन चाहे उतना काउंट आप अपना ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने वीडियो देखा है उसमें 13 काउंट से स्टार्ट किया है, 13, 8, 5, 2, 1 इस रेशियो में था। तो आप अपने मन से इस रेशियो को 10-10 का भी लेके कर सकते हैं, या फिर इस रेशियो पर भी आप कर सकते हैं। तो हम 13, 8, 5, 3, 2, 1 पे करेंगे, 13 पे, ठीक है। 13 काउंट तक सांस को लेना एक मुश्किल से। हम सिंपल से स्टार्ट करें, अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। और इस ओम के उच्चारण के साथ साथ जो हमारा जितने जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो सीधे सीधे कनेक्ट करती हैं यूनिवर्सल जो हमारा जो लॉ है, पावर है उसके साथ। और उसकी जो एक एनर्जी है, ओम की अपनी खुद की एनर्जी है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि शब्दों की एनर्जी होती है, तो ओम की भी एक ज़बरदस्त एनर्जी है। और कि जब हम बोलते हैं तो ये एनर्जी पूरे हमारे आसपास फैलती है, हमारा ऑरा को अच्छा करती है, और उसके साथ साथ हमारे जो सेल्स हैं उसको भी इम्प्रूव करने का काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं इस तरह से।
अब करते हैं नेक्स्ट भामरी जिसको हम कहते हैं। ऐसे हम कानों के भी दोनों अंगूठे और ये रख के आवाज निकालते हैं भवरे की, जैसे ऐसे करके आप ये देख सकते हैं बादलों के पीछे से सूरज निकल गया। तो इसके साथ ही हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो गाइज इसी के साथ हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। और आज काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो चुका है तो अब अपने रूटीन के काम कर चुके हैं। और एक चीज़ और कॉमन बता दूँ, जब भी आप योगा स्टार्ट करें तो ये कोशिश मत करिए कि आप पहले मतलब योगा करें और उसके बाद बाथ लें। तो इसका सही तरीका होता है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाएँ बाथ वगैरह लेने के बाद, आप किसी भी अपने इष्ट देवता को मानते हैं हाथ पांव जोड़ के पॉजिटिव एनर्जी को ले लीजिए, बॉडी को फ्रेश कर लीजिए और उसके बाद योग पे आप बैठिए और उसका आनंद ही आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगा, एक अलग आनंद आएगा। हेलो एवरीवन, अब हो चुका है योगा, अब हम करेंगे कुकिंग। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी और पूरी। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो वैसे जैसे मैं हर बार कहती हूँ, इस बार भी कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी कुक तो नहीं हूँ, फिर भी मेरी इजी रेसिपी में आ जाइए मेरे साथ और फिर देखते हैं कि वो वाकई में कैसे बनी है। तो मैंने गैस चला दिया है, उसमें ऑयल भी डाल दिए, अब मैं थोड़ा सा इसको गर्म होने दे रही हूँ और फिर हम बनाते हैं। मैं हींग, थोड़ा सा हींग डालेंगे, अब डालूंगी मैं इसमें, इसको यही रख लेती हूँ, यही रहेगा। सरसों दाना, और अब थोड़ा सा मेथी दाना, अब ये हाँ मेरे हाथ में है कटी हुई लहसुन अदरक और हरी मिर्च। तो इसके बाद में इसको डालूंगी अदरक, आप गर्मी में स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, लहसुन अच्छे से डाल लें। नेक्स्ट मेरे हाथ में है ये कटी हुई धनिया, धनिया नहीं है प्याज, कटी हुई प्याज। आप लोग भी सोच रहे हैं ये लड़की कुछ भी बना के देखो बना रही है, दिखा रही है प्याज और बोल रही है धनिया। तो ये होता है स्लिप ऑफ टंग। और कई बार आप सोच भी नहीं रहे होते, मतलब आप कहना प्याज चाहते हो लेकिन आपको उनसे निकल जाता है धनिया। तो जैसे कि ये हो चुकी है, डेड हो चुकी है, नहीं तो जल जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें कटे हुए बैंगन और आलू। आपने नोटिस किया होगा मैंने धनिया नहीं डाला है। करेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, ये फिलहाल के लिए दिस इज इट। अब इसमें करेंगे ऐड ये मैजिक मसाला थोड़ा सा, अब इसमें डालेंगे रेड रेड टमाटर। तो गाइस मेरी याद क्या है कि जो मैं टमाटर होता है ना देन एंड देर ही काट के डालती हूँ, पहले से कटिंग वटिंग करके नहीं रखती हूँ जैसे कि शेफ लोग रखते हैं। तो जब मैं कुकिंग करती हूँ धुल के कट कट करके डाल देती हूँ या फिर उसको घिस कर उसके फिर बीज वगैरह हटा कर वैसे भी डालती हूँ। तो आज मैं ऐसे ही डालती हूँ सिंपल।
तो मैंने ढककर सब्जी को रख दिया। इसको धीमी आंच पे पकाएंगे और उसके बाद में हरी धनिया इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितनी क्विक रेसिपी है, और लेकिन इसमें है ना कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है और एकदम लटपट टाइप का इसको आप बना लेंगे तो ज़्यादा। फिर इसको ढक के रख देंगे और फिर जब पक जाएंगी सब्जी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसको ढक के रख दिया है, सब्जी जब पक जाएगी तो फिर इसके अंदर हरी धनिया ऐड कर देंगे। और इसको बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनेगा ये, एकदम लटपट बनेगा। मीन्स कि मतलब एकदम मिली सब्जी मसाला सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा टाइप का बनेगा। तो गाइस जैसे आप लोग देख रहे हैं मैंने आटा पहले से भून के रखा है, इसमें मैंने डाली है कलौंजी, थोड़ी सी हींग भी डाला, थोड़ा सा नमक भी डाला है मैंने इसके अंदर, और इस तरह से अपने आटे को तैयार कर लिया पूड़ी वाले आटे। तो ये है हमारी सब्जी और पूरी, अभी मम्मी खाएंगी तो पूछते हैं कैसे बनी है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी मम्मी अभी खाना खा रही हैं, तो अपनी मम्मी से ही पूछते हैं कि कैसे बनी है सब्जी। पहले पंखा बंद कर दूँ नहीं तो बहुत शोर आ जाता है। तो गाइस बन चुका है यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट, हमारी मम्मी नाश्ता कर रही है, पूछते हैं कि इनसे कैसा बना है, बताओ कैसे बनी सब्जी। अच्छी बनी, बढ़िया नमक सही है, हाँ सब कुछ ठीक। चलो तो ये तो हमारी मम्मी बता रही हैं आपको, दीदी से पूछेंगे सही रिव्यू। बहुत अच्छा बना है, टेस्टी बना है, नमक वमक भी सब सही है, खाना मस्त ही बनाती है मेरी बहन, तो इसको बहुत अच्छा बना। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, और सुबह के 9:30 हो चुके हैं, अभी का दिन भी शुरू कर रही हूँ। करके आने के बाद से ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं बनाने जा रही हूँ, और अभी मैं बालकनी में अपनी बैठी हूँ, बस लाइट कम आ रही है, दिस इज़ द राइट पोजीशन। तो मैं बैठी हूँ अपनी बालकनी में, और ये ट्रिप के आने के बाद का मेरा जो वीडियो है, ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है। एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत अच्छे रहे, मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत एडवेंचरस ट्रिप था, और इतना लंबा अगर मैं कहूँ कि मैंने ट्रैवलिंग लाइफ में पहली बार किया तो बहुत औसम लगा। और अभी मैं पढ़ रही हूँ एक बुक, सुबह मैं उठ गई थी बहुत अर्ली, यानी कि 5:30 AM, और उसके बाद मैंने अपने सारे काम किए जो सुबह के होते हैं, और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। अब मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर एक बुक, और रिसेंटली मैं जो पढ़ रही हूँ मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो रिसेंटली आई एम रीडिंग दिस बुक, अभी मैंने स्टार्ट किया दिस बुक। तो पढ़ने के बाद मैं इसके कुछ मेन जो पॉइंट हैं जो आप लोगों के लिए भी शायद फ़ायदेमंद रहे हैं उसको किसी अलग से वीडियो में ज़रूर। तो गाइस अब मैं पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा इस समय तक थक गई थी, फिर नीचे आई और चाय बनाई। आज का व्लॉग इसी चाय के साथ एंड करती हूँ, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल।